प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं प्रियो आज के सुंदर दिन के लिए। और आज का वचन बहुत आशीषित वचन है। आज बहुत सारे लोग जो है फिल्मी अभिनेता के जैसे बनना चाहते हैं, जो है जब बचपन से मैं देख रहा हूँ, अगर फिल्मी अभिनेता या अभिनेत्री जो भी है अगर वो उस प्रकार का ड्रेस पहनती है तो सारी दुनिया उस प्रकार का ड्रेस पहनती है। किसी ने अगर कोई हेयर कट बना दिया तो वैसे सारे हेयर कट बना दिए। किसी ने बेल बॉटम पहनना शुरू कर दिया तो एकदम सारे बेल बॉटम पहनते हैं। किसी ने टाइट जीन्स पहनना शुरू कर दिया, सब लोग टाइट जीन्स पहनना शुरू कर दिया। किसी ने फटी जीन्स पहनना शुरू कर दिया, सब लोग फटी जीन्स पहन दिया। तो सारी दुनिया जो है वो अपने सामने किसी को हीरो बनाया है और उस हीरो के पीछे सारी दुनिया जा रही है, हीरो के पीछे सारी दुनिया जा रही है। लेकिन प्रियो आज हमारा हीरो जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आज उसका चेहरा तो हमें पता नहीं है, उसके कपड़े भी हमें पता नहीं है, लेकिन एक बात पता है हमें, उसका चरित्र हमें पता है, उसका स्वभाव हमें पता है और हमें भी उसके स्वभाव जैसे बनना है। कहते हैं जैसे बाप वैसा बेटा, जैसे बाप वैसा बेटा। तो आज हम पढ़ेंगे उस वचन को फिलिपियों दूसरे अध्याय का जो है पांचवा वचन। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यस, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हमें एक उदाहरण दिया गया, हमारे पास एक टारगेट बनाया है, हमें एक नमूना दिया गया है और वो नमूना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। क्या लिखा है? जैसे यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव। जैसे यीशु जो है पाप नहीं करता था, झूठ नहीं बोलता था, गलत काम नहीं करता था, वैसे हमें भी गलत काम नहीं करना है। और बाइबल कलीसिया के लोगों को बार बार प्रोत्साहित करती है, क्या प्रोत्साहित करती है? कि हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के जैसे बने। हालेलुया। हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के जैसे बने। देखो हालेलुया, पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय का दूसरा वचन में लिखा है, हे प्रियो अब हम परमेश्वर की संतान हैं। हम कौन है? हम परमेश्वर के संतान है। इसमें कोई दूजा भाव है? इसमें कोई संदेह है आपको? हेलो, उद्धार प्राप्त कर लिया है, पश्चाताप किया है, पानी का डूब के बपतिस्मा ले लिया है, पवित्र चाल चलन चल रहे हैं। हे प्रियो अभी हम परमेश्वर की संतान हैं। हाँ भैया, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, इस बात की गारंटी है, क्योंकि हर संडे चर्च में आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। और एक बाप रहे हैं, अभी हमें प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। जब मैं किसी को पूछता हूँ क्या ब्रदर आपके बेटे को क्या बनाना चाह रहे हैं आप, बस पूछो पूछो बात बात है। अब बेटा क्या बनना चाहते हो? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं हार्डवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। लोगों की अलग 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 बातें होती है। जो है ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, हम क्या कुछ होंगे अभी प्रकट नहीं हुआ। लेकिन एक बात पक्की है कि हम कौन है? परमेश्वर की संतान। लेकिन प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। इतना जानते हैं, प्रेज लॉर्ड, इतना जानते हैं कि जब प्रभु प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे बैठा हुआ है, हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो यीशु के समान होंगे, वो यीशु के समान होंगे। आप किसके समान होंगे? ये हमारे लिए कितनी सदा जीवी आशा है। प्रभु हमें उसके समान बनाएगा। और इसलिए बाइबल में लिखा है कि जैसे यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। धीरे धीरे वो गाली आपके मुंह से निकलनी चाहिए, हटनी चाहिए, धीरे धीरे वो झूठ बोलना बंद होना चाहिए, धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते रहते हैं वो आत्मा निकल जानी चाहिए, वो गुस्से की आत्मा, वो झगड़े की आत्मा, वो आज्ञा पालन ना करने की आत्मा, वो जो भी आत्मा है वो धीरे धीरे वो खत्म होना चाहिए। क्योंकि हम बाइबल में लिखा है कि अंश अंश
उसके समान होते जा रहे हैं, अंश अंश उसके समान होते जा रहे हैं। और बाइबल में तो कितनी बात लिखा है, जैसे यीशु ने किया वैसे तुम करो, जैसे यीशु ने किया वैसे तुम करो, जैसे यीशु ने किया वैसे तुम करो। हालेलुया। भाई यीशु ने क्या किया, आओ आप देखें प्रभु परमेश्वर का वचन क्या बताता है। पढ़िए और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सहलो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। यहाँ पे लिखा जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी दूसरों के अपराध क्षमा करो। जब तक तुम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तब तक तुम स्वर्ग में नहीं जाओगे। जब तक तुमने वो दुश्मनी रखी है, कड़वाहट रखी है, बदला लेने की भावना रखी है, विरोध की भावना रखी है, जिन्होंने आपको धोखा दिया उनके विरोध में आप रहते बोलते रहते हैं, आपको उनको क्षमा करनी है। लाखों करोड़ों पाप आपके प्रभु ने माफ किए, उनके दो चार पाप माफ करने के लिए आपको इतना कठिन जा रहा है। जैसे पिता ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए तुम भी उनके अपराध क्षमा करो, तब तुम्हारे लिए स्वर्ग है, तब तुम्हारे लिए इस दुनिया में भी दरवाजे खुलेंगे, प्रमोशन आएगा, इंक्रीमेंट आएगा, बड़ी बड़ी आशीष आएगी, क्योंकि जैसे यीशु ने माफ किया वैसे आपको भी माफ करना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कुछ कहा है, तू ठोक ले अभी मेरे हाथ में कील ठोक ले, पैर में कील ठोक ले, फिर मेरा राज आएगा ना तुझे दिखाऊंगा, ऐसा प्रभु ने कहा गया कभी नहीं कहा। प्रभु ने उनको मारने दिया, उनको मार रहे थे, थूक रहे थे मुंह पे, दाढ़ी नोच रहे थे, कांटों का मुकुट डाल रहे थे, 39 कोड़े मार रहे थे, हाथ पांव ठोक रहे थे, इतना सारा सताव करने के बाद में, इतनी यातना देने के बाद में उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। फिर आखिरी में उन्होंने प्रभु यीशु ने क्या कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। हालेलुया। वो सारी कड़वाहट प्रभु परमेश्वर ने दबा दी, कड़वाहट और बदला लेने की भावना प्रभु ने कुचल दी। आज हमें भी हमारा स्वभाव भी ऐसा होना चाहिए, दूसरों के क्षमा किए तुम भी दूसरों के क्षमा करो, जैसे आपके अपराधों को क्षमा करो, जैसे यीशु ने किया वैसे तुम करो। मत्ती 20:28 जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करी जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। वाओ, यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा करें, इसलिए नहीं आया कि आज जय उसकी सेवा करे, इधर दो लोग आदमी बैठे इधर दो लोग सेवा करे, ना जी ना। प्रभु ने अपनी जवानी भर परमेश्वर की सेवा की, दूसरों की सेवा करी। लोग उसको घर में बुलाया करते थे, वो घर में जाता था प्रार्थना करता था, लोग कहते चल प्रभु यहाँ पे चल, चल प्रभु वहां पे चल, जहाँ वो प्रभु ले जाते थे सब जगह वो जाता था। अपने जवानी के 3.5 साल तक जो है उसने प्रभु की सेवा की, लोगों की सेवा की, सेवा टहल। हालेलुया। अभी इन दिनों में पास्टर अब्राहम जो है सारे जवानों को बुला के उनसे सेवा ले रहा है, आओ भाई यहाँ पे बैठो, चलो चलो भाई अभी तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, और जो है सबको काम दे रहे हैं, काम जो है वो दे दिया गया है ताकि चर्च की सेवा हो सके। आप भी अपने बच्चों को जरूर चर्च की सेवा के लिए भेजो। हालेलुया। यस, पढ़ाई हो सकता है एक दिन काम ना है, जो आपके बच्चे पढ़ाई करेंगे ना कर रहे ना, हो सकता है एक दिन काम ना है, लेकिन जो सेवा प्रभु के भवन में करोगे ना वो कभी फेल नहीं हो सकती, क्योंकि उसका प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। कोई हाल ले कह सकता है यस। आज कितने पीएचडी किए हुए बेरोजगार घूम रहे, आज कितने जो है ग्रेजुएट किए हुए काम ही नहीं है, करोड़ों करोड़ों बच्चों को काम नहीं है। अगर 5-50 जो है जगह भरनी है तो उसके लिए पता नहीं 5-5 लाख लोग आते हैं, क्या हालत खराब हो रही है, और जो है बेरोजगारी बढ़ रही है। लेकिन प्रेज द लॉर्ड, कल मैंने प्रार्थना, पिछले संडे प्रार्थना करी थी प्रभु इनको काम दे, तुरंत दो काम मिल गए, बोले आपको जो चुनना चुन लो, और उनको उनका काम मिल गया अच्छी तनखा, और प्रभु ने उनको आशीषित कर दिया। हमारा प्रभु अपने बच्चों की चिंता करता है, अपने बच्चों को वो भूखा मरने नहीं देता। प्रभु में तुम्हारे परिश्रम
व्यर्थ नहीं है। और देखो ना कितना जो है बच्चों में एकदम जो है जोश आ गया है, सुबह 5 बजे उससे ही पहले उठ जाता है, मुझे जाना है, पास्टर अब्राहम ने बुलाया है, सुबह 6:30 की मीटिंग में जाना है, हमें सेवा करना है। मुझे बहुत अच्छा लगा इस बात को सुन के, एक जो है सेवा दार बन गए हमारे बच्चे, सेवा का जोश उनके अंदर आ रहा है। हालेलुया, यस, बड़े लोगों को भी सेवा करनी है, बड़े लोगों की भी सेवा होनी जरूरी है। ये नहीं कि आया गया, आया संडे गया संडे, नहीं, हर दिन प्रचार करना है। आपको हम सेवा दे रहे हैं, झाड़ू पोछा की सेवा नहीं दे रहे हैं हम आपको, आप बड़े बुजुर्ग हो गए हैं, बड़े हो गए, पुरुष हो गए, महिलाएं होगी, लेकिन जो लोग प्रभु के भवन की झाड़ू पोछा की सेवा नहीं कर सकते जो है वो जीवित भक्तर प्रभु के भवन में लाए। आज से जो सविता ने अपने एक मुस्लिम बहन को प्रभु के भवन में लाया, बहुत अच्छा लगा। अब प्रभु चाहता है कि हर व्यक्ति ये काम करे, जैसे सेवा टैग यीशु ने किया वैसे टैग सेवा टेबल तुम भी करो। जो तुम्हें सबसे बड़ा बनना चाहता है वो सबका सेवक बने, जो तुम्हें प्रधान बनना चाहता है वो सबकी सेवा करे। ये प्रभु की शिक्षा है, बहुत ही अलग शिक्षा है, दुनिया से बहुत अलग शिक्षा है। प्रभु अपने परिवार में एकता की आत्मा देता है। और बहुत बार जो है भाई बहन बोलते हैं तू तो मम्मी का है, तू तो पापा का है, तू तो इसका है, तू उसका है, तू अपनी चाची का है, तू अपने चाचा का है। हम सब प्रभु के हैं, हालेलुया, हम सब माता पिता के हैं, मम्मी भी मेरी है, पापा भी मेरे हैं, हालेलुया। मम्मी पापा सबको प्रेम करने वाले हैं, वो मम्मी पापा सबको एक समान प्रेम करने वाले हैं, हालेलुया। बड़े बुजुर्ग को जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे यरूशलेम हे यरूशलेम मेरी इच्छा थी कि जैसे मुर्गी अपने बंदे के ऊपर, हालेलुया, मुर्गी जैसे अपने बच्चों को अपने पंखों तले, हालेलुया, जो है इकट्ठा करना चाहती है, मैं भी इकट्ठा करना चाहता हूँ, लेकिन हालेलुया तुमने तुमने नहीं चाहा। बड़े बच्चों को भक्ति 23:37 हे यरूशलेम हे यरूशलेम तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्थर मार करता है, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने ना चाहा, तुमने ना चाहा। परमेश्वर चाहता है कि हमारी कलवरी कलीसिया एकता में आ जाए। प्रभु चाहता है कि हमारा दिल्ली, हमारा भारत, हमारी ऑफिस, हमारे सब एकता में है, लेकिन उसके विरोध में हमारा परिवार खास करके, लेकिन शैतान उसको मंजूर नहीं है, वो झगड़े लगाता है घरों में, और झगड़े लगा के एक दूसरे के विरोध में आना चाहता है। ओ माय गॉड, हालेलुया। फिर प्रभु कहते हैं जैसे जैसे मैं था वैसे तुम, अगला अगली बात जो है प्रभु कहता है जैसे, हालेलुया, आजकल बहुत सारे लोग जो है ना संसारिक बातें देखते हैं, संसारिक बातें, भाई उनके पास इतना बड़ा टीवी है मेरे पास भी टीवी होना चाहिए, उनके पास आईफोन है मेरे पास भी आईफोन होना चाहिए, उनके पास यह है मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए, उनके पास गाड़ी है तो मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए। लोग जो है अपने दुख से दूर नहीं है, दूसरों के सुख से परेशान है, इनके पास गाड़ी कैसे आ गई मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, इनके पास इतना बड़ा टीवी कैसे खरीद लिया आपने मेरे पास भी आना चाहिए, आईफोन कैसे खरीद लिया इन्होंने मेरे पास भी आना चाहिए। ये सांसारिक बातें खत्म होने वाली है, संसार और उसकी सारी बातें खत्म होने वाली है ना। हालेलुया, जो प्रभु की इच्छा पर चलता है वो सदा जीवित रहने वाला है। पढ़े उस वचन को, यूहन्ना 17:16 जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं, वैसे वो भी संसार के नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु ने वो भी संसार के नहीं, जैसे हम संसार के नहीं वैसे वो भी संसार के नहीं। प्रभु की सेवा करें। हालेलुया, प्रभु कहते कि कौन जाएगा, और ऐसा कहता है प्रभु तू मुझे भेज मैं जाऊंगा, कौन जाए कौन मेरे लिए
सुनियो, प्रभु कहता है कि हालेलुया, जैसे यीशु ने कहा कि मैं, जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूँ, इस दुनिया में भेजता के लिए भेजता है। हम दीपकों की नहीं इस दुनिया में चमक रहे हैं। हमारा स्वभाव जब जल्दी गुस्सा नहीं आता, हमारा स्वभाव जब हम ड्राइविंग करते हैं तो बहुत धीरज के साथ करते हैं, है ना। हम जो है हालेलुया बोलते हैं तो बड़े धीरज के साथ बोलते हैं। हालेलुया, हमारा स्वभाव जैसे यीशु का स्वभाव था वैसे ही हमारा स्वभाव, ये हमारा मापदंड है। यीशु हमारा मापदंड है, हमें यीशु के समान बनना है, यीशु के जैसे बनना है। अगला वचन यूहन्ना 20:21, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। वाह, हालेलुया। तो प्रियो, आज हम देखते हैं कि हमें यीशु के समान बनना है। यीशु के बहुत अच्छे गुण धर्म है, यीशु के बहुत अच्छे हालेलुया स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार हमें बनना है। हालेलुया, और जब हम प्रभु जो है प्रभु परमेश्वर हमारे ऊपर काम कर रहा है, बोलिए प्रभु मेरे ऊपर काम कर रहा है, मेरा स्वभाव यीशु के जैसे बना रहा है। एक गायक है, उसने बहुत सुंदर गीत बनाया, और उस गीत का जो है इस प्रकार वो गीत है कि सारी सृष्टि को प्रभु ने 6 दिन में बनाया, और 6 दिन में उसने सारी सृष्टि बना के समाप्त कर दिया, लेकिन वो कुछ को अभी तक बना रहा है। प्रेज लॉर्ड, वो अभी तक मुझे बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। कुम्हार जो है जब वो मटका बनाता है, पहली बार टूट जाता है, दूसरी बार टूट जाता है, तीसरी बार टूट जाता है, चौथी बार टूट जाता है, पांचवी बार टूट जाता है, वो क्या करेगा, और मिट्टी बिछड़ गया फेंक देगा दूसरा में, पता नहीं। लेकिन प्रियो, प्रभु हमारे लिए कितनी धीरज रखता है ना, हम कितनी बार गिरते हैं पड़ते हैं, जब फिर से जो है प्रभु में उठते हैं, फिर से चलते हैं, और प्रभु हमारे लिए धीरज रखता है। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब फॉर ग्रांटेड हम गलतियां ना करते रहे, इसलिए फॉर ग्रांटेड हम जो है इन पापों में ना जाए, लेकिन हम पवित्र बने रहे। हालेलुया, इसलिए बाइबल में लिखा है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। आज वो आपको आपकी पवित्रता को देखना चाहता है। आज यीशु मसीह के द्वारा फिर से एक पाप आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है, प्रभु ठीक है, प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहा है स्वर्ग में हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह, चलो प्रभु एक बार फिर से गलती होगी माफ कर देना, मैंने इसके लिए लोगों को आया था, प्रभु सुन ठीक है, एक और मौका दे प्रभु जी, एक और मौका दे। ऐसा हर रोज प्रभु हम लेकर आए, आओ हम हालेलुया ऐसा पवित्र बने कि जैसे प्रभु यीशु पवित्र था हालेलुया वैसे पवित्र हो। आइए प्रभु यीशु मसीह के समान हालेलुया कुछ काम आज हम देखेंगे, कुछ एलिया ने जो चमत्कार किए। हालेलुया, एलिया के लिए आकाश खुल गया और यीशु के लिए भी आकाश खुल गया। एलिया ने जो है जो चमत्कार किए, जो है कुछ चमत्कार यीशु के चमत्कार देखेंगे हम, कि जो है कैसे वो यीशु के पहले आया था पलक पलकी, लेकिन अब यीशु की तुलना मैं थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत जो है एलिया के साथ किया। एलिया तो जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ तुलना करने के लायक है ही नहीं, वो डर गया था, रानी को देख के डर के भाग गया और डर गया, और बहुत सारी कमियां उनके जीवन में है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। और जो है उसके जमाने में जो राजा था, उस राजा ने जो है एक रोड के किसी देवी देवता को पूछने के लिए भेजा कि मैं बीमार हूं, क्या इस बीमारी से मैं चंगा होऊंगा क्या नहीं होऊंगा। इजराइल राजा ने अपने दूतों को भेज के उन देवी देवताओं को पूछने के लिए भेजा, उन देवी देवताओं की पुजारी को, और उतने में परमेश्वर को मालूम चल रही बात, इजराइल का परमेश्वर अपने बच्चों के लिए बड़ी जलन रखता है, और एकदम जो है एलिया को परमेश्वर भेजता है, कहते जाओ उन दूतों को बोल दो कि इस राजा ने उनको भेजा है कि क्या मैं चंगा होंगे कि नहीं होंगे, जाके उसको बता जिस बिस्तर पे तू पड़ा है उसी बिस्तर पे तू मरेगा, तू नहीं जिएगा।
नाम में। और उससे पहले कि वो प्रभु कहता कि जो है तू इसी बिस्तर पे मरेगा, प्रभु कहता है क्या इज़राइल में परमेश्वर नहीं है कि तूने उसको कहाँ पे भेजा है? एक क्रोन में किसी देवता को पूछने के लिए भेजा। परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया और प्रभु ने उसको अगर जो है प्रभु के पास मानता तो प्रभु उसको जीवन दान देता, लेकिन वो किसी दुष्ट आत्मा को पूछने के लिए चला गया। प्रभु को बहुत गुस्सा आता है, प्रभु को बहुत गुस्सा आता है कि जब हम यीशु को छोड़कर किसी और के पास जाते। बहुत सारे लोग जो है अपने हस्त जो है रेखाओं को देखते, बहुत सारे लोग जो है वो हर रोज कतराता वो राशिफल या वो जो है भावी कहने वाली आत्मा दुष्ट आत्मा भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा कैसे जो है पौलुस ने डांट कर भगाया था। ये सारी आत्माएं छुटपुट दुष्ट आत्माएं वो हम उसके पीछे जाने ना पाए। हमारा परमेश्वर यहोवा जीवित है। हालेलुया, ओ प्रेज द लॉर्ड। और जो है क्या प्रभु परमेश्वर के जो है वहां पे जो है एलिया ने जब जो है उनको बताया, एलिया डांटने लगा उसको, क्या इज़राइल में परमेश्वर नहीं है? क्या इज़राइल में परमेश्वर नहीं है? क्या जब उसको वहां पे भेजा तूने वहां पे जाने के लिए, उसको पूछने के लिए भेजा? एक बार यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को डांटा, जैसे एलिया ने डांटा वैसे यीशु ने भी डांटा। क्या डांटा था पढ़िए उसको, जन को 8:25 23 से पढ़िए। पर जब नाव चल रही थी तो वो सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। और उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? तुम्हारा विश्वास कहाँ था? प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे उनको डांटते हैं, तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे ऊपर विश्वास करने वाले हो, रात दिन तुम मेरे साथ रहते हो, मैं तुमको तैयार कर रहा हूं, लेकिन तुम फिर भी जो है डर में, तुम्हारा विश्वास कहां था? क्या इज़राइल में परमेश्वर नहीं है? क्या तुम्हारा विश्वास कहां था? हालेलुया। और पढ़े उस वचन को, जब ये जो है अहज्या राजा के बारे में बताया गया है, जैसे एलिया उसको डांटता है, अहज्या राजा को लिखा है दूसरे राजा उसके पहले अध्याय के जो है दूसरे वचन से पढ़े। और अहज्या एक झिलमिलीदार खिड़की में से जो शोमरोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा कि तुम जाकर एक्रोन के बालजबूब नाम देवता से ये पूछा। एक्रोन के बालजबूब नाम देवता को जाकर पूछो। क्या पूछोगे? कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। तब यहोवा के दूत ने तिशबी एलिया से कहा, उठकर शोमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बालजबूब देवता से पूछने जाते हो? इसलिए अब यहोवा तुझसे यूं कहता है कि जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा परंतु मर ही जाएगा। तब एलिया चला गया। जब अहज्या के दूत उसके पास लौट आए तब उसने उनसे पूछा, तुम क्यों लौट आए हो? उन्होंने उससे कहा कि एक मनुष्य हमसे मिलने को आया और कहा कि जिस राजा ने तुमको भेजा उसके पास लौट कर कहो, यहोवा यूं कहता है कि क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तू एक्रोन के बालजबूब देवता से पूछने को भेजता है? इस कारण जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा। इस कारण जिस पलंग पर तू पड़ा है तू कभी उठ नहीं पाएगा। इस कारण किस कारण कि तुम्हें एक दौर के बाल जबूत देवता के पास जाके हो। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे भी हूँ, ऐसे जो है भावी कहने वालों के पास हो गए, पूछने लगे कि भैया पूछो बताओ क्या है क्या नहीं, इधर क्या है क्या नहीं, बताओ। और वो मर गए। विश्वासी थे, वो बहुत पक्के विश्वासी थे, लेकिन वो अपने जीवन में जी नहीं पाए। ऐसे मैंने खुद मैंने आंखों से देखा, प्रभु के भवन में मैं बैठा हूँ झूठने बोलूंगा। तो प्रियो प्रभु को अपने नाम के कारण बहुत ज्यादा ईर्ष्या होती है। प्रभु कहता है कि या तो तुम मुझे मान रहे हो तो मुझे पूरा मानो, पूरा विश्वास करो। क्या इज़राइल में परमेश्वर नहीं है?
क्या इज़राइल में परमेश्वर नहीं है? बाप रे, इज़राइल में परमेश्वर है। आगे बाद में वो राजा उसके ऊपर गुस्सा होता है, वो एलिया है ना, जाओ 50 लोग लेके जाओ उसके पास, पकड़ो उसको, ले आओ मेरे पास, याद ना देंगे उसको, पता नहीं क्या करेंगे उसके पास। अब तक पढ़िए, आगे बढ़िए। तब उसने उनके पास 50 सिपाहियों के प्रधान को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा, और प्रधान ने उसके पास जाकर क्या देखा कि वो पहाड़ की चोटी पर बैठा है। और उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है कि तू उतर आ। राजा तुझे बुला रहा है, नीचे उतर आ। क्या समझता है अपने आप को? मैं सेनापति हूँ, 50 सिपाहियों का मैं सेनापति हूँ, 50 लोग मेरे अंडर है, तू नीचे उतर आ, नीचे उतर आ। देखो परमेश्वर के दास के साथ उसके बोलने का तरीका, परमेश्वर के दास के साथ तू किस तरीके से बातचीत करता है। आज हमें भी परमेश्वर के दास के साथ कैसी बात करना है सीखना चाहिए। हालेलुया। क्या कहता है फिर आगे, क्या पढ़िए। एलिय्याह ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, तो आकाश से आग गिरकर, आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत, तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले, भस्म कर डाले। बाप रे। तब आकाश से आग उतरी और उसके उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। ओह माय गॉड, परमेश्वर के सामने कुछ नहीं चलता है, किसी की सिफारिश, किसी का पैसा, किसी का जो है बहुत बड़ा रुतबा, नहीं चलता जी, नहीं चलता। आगे क्या लिखा है? फिर राजा ने उसके पास 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को और भेजा, 50 सिपाहियों समेत भेज दिया। हाँ? प्रधान ने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है कि फुर्ती से तू उतर आ। फुर्ती से उतर आ, राजा ने बुलाया उसको, चल तुझे उतरा। क्या समझते अपने आप को? बाप रे, परमेश्वर के दास की कोई इज्जत नहीं करी उसने। परमेश्वर के दास की जब इज्जत कोई नहीं करता है, परमेश्वर भी उसके साथ वैसे ही करता है। एक बहन मुझे कह रही थी, पास्टर हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, ये तो प्रभु जानता है। जब भी मैं प्रार्थना करने के लिए बैठती हूँ, सबसे पहले आपका, आपके बच्चे का, आपके बच्चों का नाम लेके मैं दुआ करती हूँ। मैं कहता थैंक यू, मैं कभी आपकी बुराई नहीं करती पास्टर, मैं थैंक यू, मेरे मन में भी नहीं सोचती आपके विरोध में कुछ, मैंने कहा थैंक यू। हमने तो परमेश्वर को देखा नहीं, लेकिन हमने आपको देखा है, और हम आपको परमेश्वर की जगह रखते हैं। आप परमेश्वर नहीं हमें पता है, लेकिन हम ये परमेश्वर की जगह आप हो, आप जो हमें रास्ता दिखाएंगे उसी रास्ते पर हम चलेंगे। मैंने कहा वेरी गुड, इतने अच्छे विचार इस बयान के। आगे बढ़े क्या, दो दूसरे दिन के साथ क्या हुआ? एलिय्याह ने उत्तर देकर उनसे कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से परमेश्वर की आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। बाप रे, कितने होंगे, कितने लोग मर गए? 102, उधर से 130 हो गया, ये 200 नंबर गए, पता नहीं, लेकिन यहाँ पे 102 हो गए थे जो परमेश्वर का आदर नहीं करते, जो परमेश्वर की इज्जत नहीं करते, जो परमेश्वर का जो है आज्ञा का पालन नहीं करते। बाप रे, तीसरी टीम। ये राजा इसको बार बार इसलिए भेज रहा है क्योंकि बात उसकी जान पे आ गई थी ना, मरूंगा कि जीऊंगा, मरूंगा कि जीऊंगा, मरूंगा कि जीऊंगा। ये नहीं कि परमेश्वर की सेवा करूंगा, ये नहीं कि प्रभु में तेरी इज्जत करूंगा, तेरी आराधना करूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, नहीं मरूंगा कि जीऊंगा। तो उन्होंने कहा मर जा भाई, तो इतना ज्यादा कर रहा है, मर जा, हालेलुया। लेकिन तीसरी टीम आती है, वो तीसरी टीम का जो मुखिया होता है वो बहुत इज्जत करने वाला होता है, परमेश्वर के दास की इज्जत कर, ऐसी इज्जत नहीं आई उसको, ये दो टीम ने सिखाया उसको, ये दो टीम ने सिखाया, ये दो टीम ने देखा, उसने देख सुना, अरे बाप रे, तो भस्म करने वाली आग है भैया ये परमेश्वर, बाप रे बाप रे बाप रे। तीसरी टीम वाला देखेंगे। फिर राजा ने तीसरी बार 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया, और 50 का वो तीसरा प्रधान चढ़
घुटनों के बल गिरा। देखो, घुटनों के बल गिरा पहली बात, और गिड़गिड़ा कर, देखो दूसरी बात, गिड़गिड़ाया नहीं लगा वो अपने परमेश्वर के दास के सामने, और क्या करने लगा, उसने कहने लगा, हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्राण और तेरे 50 दासों करके प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल है। ओ, हमारे ऊपर आग मत बरसाते, हमारे प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे, कृपा करके, कृपा करके, राजा तो बोल रहा है लेकिन हम तो तेरे सामने घुटनों पे आ रहे हैं, ये बोलते थे नीचे उतर, नीचे उतर, ऐसे नहीं बोल रहे हम, कैसे घुटनों पे आके गिड़ गिड़ा के तब वे परमेश्वर के दास से बात करने लगे। अरे तो बजाओ इस बात के लिए, आप भी परमेश्वर के दास हो, आप भी परमेश्वर की दासी हो, हालेलुया। तुझे ना तो कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, देख दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। जो जो बातें प्रभु ने आपके लिए कही है जब तक वो पूरी नहीं होगी आपको वो मरने नहीं देगा। अगर आप मर भी जाएंगे ना तो कब्रिस्तान में गाड़ भी दी जाएंगे ना, वहां से उखाड़ के लाएगा आपको प्रभु, और वो उसकी कही भी बातें पूरी करेगा। आपको मौत नहीं है जब तक महिमा की बातें पूरी नहीं होगी आपके लिए। आप जो प्रभु की आराधना करने वाले लोग हो, आप जो परमेश्वर की इज्जत करने वाले लोग हो, आप जो परमेश्वर के दासों की इज्जत करने वाले लोग हो, परमेश्वर उस बात को देखता है। परमेश्वर की दासों की इज्जत मतलब परमेश्वर की इज्जत कर रहे हो आप, और उसके बदले में परमेश्वर आशीर्वाद करेगा। यहाँ पे आगे क्या लिखा है पढ़िए, तीसरी बात, पहली बात हमने क्या देखी थी, पहली बात देखी थी घुटने पे आ गए, दूसरी बात देखी थी गिड़गिड़ाने लगे, तीसरी बात देखी थी कि जो है वो कहने लगे हमारे प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल है, और चौथी बात क्या बताई, 50-50 सिपाहियों के जो दो प्रधान अपने अपने 50 समेत पहले आए थे उनका तो आग ने आकाश से गिरकर भस्म कर दिया, परंतु अब मेरा प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल है। बार बार यही कह रहे हैं, ये नहीं कह रहा राजा ने कहा अरे गया भाड़ में राजा, इस वक्त मैं किसके सामने खड़ा हूँ, परमेश्वर के लोगों के सामने खड़ा हूँ, गया मेरा बॉस भाड़ में, गया मेरा राजा भाड़ में, मैं नहीं जाता उनको, हाँ मैं उसकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं परमेश्वर से बात करूंगा, परमेश्वर के दास से बात करूंगा, पूरी इज्जत से बात करूंगा। आगे क्या लिखा है, तब यहोवा के दूत ने एलिया से कहा उसके संग नीचे जा, उससे मत डर। तब एलिया उठकर उसके संग राजा के पास नीचे गया। क्या बात है, ताली बजाओ परमेश्वर के लिए, हालेलुया। जो परमेश्वर के सामने घुटने टेकता है, गिड़गिड़ाता है, अपने प्राण मांगता है, और बहुत इज्जत से बात करता है परमेश्वर के दासों के साथ। अब यहाँ पे एलिया ने कुछ बोला ना, लेकिन एलिया बोलने वाला था, यदि मैं परमेश्वर का दास हूँ तेरे ऊपर आग बरस जाए और भस्म हो जाए, लेकिन इससे पहले कि एलिया बोले परमेश्वर ने बोला शांत शांत शांत, वो तेरी इज्जत नहीं करी है, वो मेरी इज्जत की है, उसने तेरे सामने घुटने नहीं टेके, उसने मेरे सामने घुटने टेके, क्योंकि तू मेरा दास है, उसे तेरे साथ गिड़गिड़ाया नहीं है, वो मेरे सामने गिड़गिड़ाया, प्रभु ने कहा मेरे लिए गिड़गिड़ाया वो, और इसलिए हालेलुया चल गुड, उसे संग चला जा। वाओ, प्रेज लॉर्ड। प्रियो, जब हम परमेश्वर के लोगों की इज्जत करते हैं वो परमेश्वर की इज्जत करते हैं, हालेलुया यस। इसलिए परमेश्वर के लोगों की इज्जत करो, चाहे वो पास्टर हो या ना हो, विश्वासी हो, हालेलुया, और परमेश्वर जो है आपकी इज्जत करेगा, और परमेश्वर जो है अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, और परमेश्वर ने परमेश्वर को मरने देता नहीं, हालेलुया। सबसे बड़ी बात परमेश्वर उनको, और राजा भी मर गए, दोनों टीम के लिए भी लोग मर गए, दूसरा भी राजा आ गया, लेकिन वो फिर से अपने पद पे बने रहे, उनको डिसमिस नहीं किया गया, उनको भस्म नहीं किया गया, लेकिन वो इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर की इज्जत करी, परमेश्वर के दास की इज्जत करी, हालेलुया, वो अपने स्थिर पे, अपने कुर्सी पे स्थिर बने रहे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के बाद हम परमेश्वर के दास की इज्जत करेंगे, परमेश्वर के लोगों की इज्जत करेंगे। जब हम परमेश्वर की इज्जत करेंगे परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है, और उसके बदले में परमेश्वर आशीष देता है, उसके बदले परमेश्वर
लंबी उम्र देता है। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। आगे आगे पढ़िए। यहोवा के इस वचन के अनुसार जो एलिया ने कहा था वो मर गया और उसके संतान ना होने के कारण यहोराम उसके स्थान पर यहूदा के राजा। यहोवा के इस वचन के अनुसार जो एलिया ने कहा था वो मर गया। आज जैसे उसने कहा था, प्रभु यहोवा यह कहता है, तूने क्रौन के बाल जबूत देवता से पूछने को दूत भेजे थे, तो क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं कि जिससे तू उसे पूछ सके? इस कारण, किस कारण? इस कारण तू जिस पलंग पर पड़ा है उसी पलंग पर कभी ना उठेगा परंतु मर जाएगा। यहोवा के वचन के अनुसार जो एलिय्याह ने कहा था वह राजा मर गया। राम रे वाह। इसलिए आज हमें प्रभु की इज्जत कितनी डरते हुए कांपते हुए करनी है, यहां पे प्रभु का वचन बताता है। जब हम प्रभु की पढ़िए उसका अगला वचन, वचन संहिता 79:10, अन्य जातियां क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहां रहा? कहां रहा? अन्य जातियां क्यों कहने पाए? क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहां रहा? कहां रहा? अन्य जातियों के बीच तेरे दासों के खून का पलटा लेना हमारे देखते उन्हें मालूम हो जाए। यहां पे मुझे लिखा है तुम्हारा परमेश्वर कहां रहा? लोग यहां पे आते हैं हमारे कैलवरी चर्च में, मुझे कहते हैं अरे पास्टर साहब, हां अरे तेरा दर्शन लेना था, ये जो देता यहां पे कोई कहां पे है तुम्हारा फोटो फोटो कहां है? अरे फोटो फोटो यहां पे नहीं मिलता आपको, दर्शन लेना है तो आंखें बंद करो, कहो यीशु मेरे दिल में वो आ जाएगा। और जब आते हैं प्रार्थना करते हैं मैं हाथ रखता हूँ झटका मिलता हूँ पूरा झटका, अरे मुझे ऐसा हुआ, मुझे ऐसा, अपने अनुभव बताना शुरू कर देता है। हर एक के अनुभव अलग अलग होते हैं। हालेलुया। तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है? लोग आपको पूछते हैं तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है? उसको ना रंग है ना रूप है, वो निरंकारी परमेश्वर है, कोई आकार नहीं उसके पास। परमेश्वर आत्मा है, अवश्य कि उसका भजन करने वाले उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। हालेलुया। वो कहाँ है वो परमेश्वर? तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है? सारे वचन यहीं पे है, तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है? तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है? हमारा परमेश्वर चमत्कार में दिखता है, हमारा परमेश्वर चंगाई में दिखता है, हमारा परमेश्वर छुटकारे में दिखता है, हमारा परमेश्वर फ्लैट में दिखता है, हमारा परमेश्वर नौकरियों में दिखता है, हमारा परमेश्वर घर के आनंद में दिखता है, हमारा परमेश्वर हालेलुया सारी आशीष में दिखता है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। आगे बढ़िए। यहाँ पे वो फिर से कहता है भजन संहिता 115 के 2 में, जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा? हाँ, जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर उनकी जो है वो दूसरों के परमेश्वर, उनकी आंखें तो हैं लेकिन वो हाथ है लेकिन मदद, पैर लेकिन चल के आपके पास, आंखें लेकिन आपको, मुंह लेकिन आपके साथ जो है बोलने का सकता है, सही बात है, जो कान है लेकिन जो है आपकी प्रार्थना जैसे वे हैं वैसे, जैसे वे हैं वैसे उनके बनाने वाले भी और उनके ऊपर भरोसा रखने वाले भी वैसे हो जाएंगे। हे इज़राइल, तो यहोवा पर भरोसा रख। हे कैलवरी चर्च के लोगों, तुम यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा परमेश्वर जिंदा है, तुम्हारा परमेश्वर अच्छा है। 115 के 2 में लिखा है, जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहां रहा? यस, नहमिया 4:20। इसलिए जिधर से नरसिंहा तुम्हें सुनाई दे उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाना, हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए हमारा परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा, हमारा परमेश्वर हमें पैसा देगा, हमारा परमेश्वर हमारे बच्चों को नौकरियां देगा, हमारा परमेश्वर हमें घर देगा, हमारा परमेश्वर हमारे घर में आनंद देगा, हमारा परमेश्वर हमें शांति देगा। यस, हमारा परमेश्वर, ये सिर्फ मेरा परमेश्वर नहीं है, ये हमारा परमेश्वर है। आपने प्रभु आपने पश्चाताप किया है ना, प्रभु पर विश्वास किया है ना, आपने डुबकी बपतिस्मा लिया है ना, तो ये हमारा परमेश्वर हो गया। हालेलुया।
वो मेरे अकेले का परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो हमारा परमेश्वर हो गया है। हालेलुया, कितना आनंद की बात, वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सेवा करें। हालेलुया, आगे आगे लिखा हुआ है कि हमारा परमेश्वर क्या करेगा, हमारे लिए लड़ेगा। दूसरी बात, भजन संहिता 48, क्योंकि वो परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वो मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। 48 का 14 और 50 के 3 में, हमारा परमेश्वर आएगा चुपचाप ना रहेगा, आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा। बाइबल में लिखा है हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा, आग उसके आगे आगे भस्म करती भी जाएंगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। हमारा परमेश्वर आएगा और आपके ऊपर जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय सहन नहीं करेगा। हमारा परमेश्वर आएगा और आप जो कर्जे से निकल रहे हो वो कर्जे से उभारेगा। हमारा परमेश्वर आएगा और आपकी शुगर और आपकी सारी प्रकार की बीमारी को दूर करेगा। मेरे डॉक्टर ने तो मुझे बताया था कि तू नहीं जिएगा, तू मर जाएगा। मेरे डॉक्टर कह रहा था कि जो नहीं जियोगे मर जाओगे, लेकिन मेरे प्रभु ने कहा हाल तू जिएगा और तू नहीं मरेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर ने कहा था, हमारा परमेश्वर, आज वो हमारा परमेश्वर आपको भी यही कहता है, तू ना मरेगा अब जीवित रहेगा और परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता रहेगा, परमेश्वर की गवाही तू देगा। हमारा परमेश्वर आएगा चुपचाप ना रहेगा। आगे क्या लिखा 67 के 66 में, भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारे हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। हमारे परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, क्या बात है। हमारे परमेश्वर हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हमारे शत्रुओं को सत्यानाश करने वाला है। अभी अंतिम युग आने वाला है जब शैतान और उसकी सारी सेना हमेशा के लिए सत्यानाश होकर नरक अग्नि कुंड में डाली जाएगी, सत्यानाश होंगे सब लोग। अभी परमेश्वर कह रहा है ठीक है, हालेलुया, धर्मी और अधर्मी दोनों भी बढ़ने दो। लेकिन भजन संहिता 94:23 में लिखा है, और उसने उनका अनर्थ काम उन्हीं पर लौटाया है और वो उन्हें उन्हीं की बुराई के द्वारा सत्यानाश करेगा। हमारा परमेश्वर यहोवा उनको सत्यानाश करेगा, उनका सत्यानाश करेगा, प्रभु कहता है। और यिर्मयाह उसके 50 अध्याय के 28 वचन में, सुनो बाबुल के देश में से भागने वालों का सब बोल सुनाई पड़ता है, जो सियोन में ये समाचार देने को दौड़े आते हैं कि हमारा परमेश्वर यहोवा अपने मंदिर का बदला ले रहा है। हमारा परमेश्वर अपने मंदिर का बदला ले रहा है। जो कुछ मणिपुर में हुआ है, जो कुछ है सताव चल रहा है, उसका बदला लेने वाला कौन है? परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है कि बदला लेना मेरा काम है, मैं बदला लूंगा, तुम बदला मत लो। बहुत सारे लोगों ने तैयारी करी थी अपनी मसीह फौज, लाठिया लेके खड़े हो गए थे, लेकिन वो तो बंदूक के साथ आ गए। तो इसलिए हमारा परमेश्वर आएगा और बदला देगा। हमारा परमेश्वर आएगा और जिनको सत्यानाश करना है करेगा। हमें तो प्रभु ने वो आत्मा दी है जब अपने शत्रुओं को भी प्रेम कर सके। हालेलुया, मसीह के आने से दुश्मन से भी है प्यार, मसीह के आने से दुश्मन से भी है प्यार। हम तो अपने परिवार के लोगों को प्यार नहीं कर पाते, अपने मम्मी पापा के साथ ही सही नहीं रह पाते, अपने भाई बहनों के साथ ही सही नहीं रह पाते, बड़े उखड़ू उखड़ू रहते हैं, पता नहीं क्या लगता है कि कौन है, जरा बड़े कमिश्नर बन जाते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। ये घमंड की आत्मा प्रभु तोड़ेगा। प्रभु परमेश्वर कहता है कि नहीं, आप क्या जैसे मसीह का स्वभाव था, जैसे यीशु का स्वभाव था, वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु ने कभी घमंड नहीं, यीशु ने कभी विरोध नहीं किया, यीशु ने हमेशा प्रेम दिखाया। आज हमें उसने हालेलुया जो है जहर उगलने वाली जीप नहीं दी है। हालेलुया, जैसे सांप की जहर जीप के नीचे जहर होता है, वैसे हमारे हालेलुया जीप के नीचे प्रेम है। हमारे हाथ में अभी वो स्टील की तलवार नहीं है, प्रेम की तलवार है। प्रभु ने कहा प्रेम की तलवार पे जाके चलाओ और सारी दुनिया को जीतो। हालेलुया, और कैसे प्रभु कहता है कि मैं अपने मंदिर का बदला लेने जा रहा हूँ।
हालेलुया। प्रियो जब शद्रक मेशक और अबेदनगो जब उनको लाया गया और खड़ा कर दिया गया और सोने की बड़ी मूर्ति बनाई गई और कहा कि सब लोग इसके सामने दंडवत करो और दंडवत करने के लिए सब लोग दंडवत हुए, लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो ये उस जो है मूर्ति के सामने झुके नहीं। राजा ने राजा की लोग कुछ लोगों ने एकदम शिकायत करी, चुगली खाई, वो जो है ना ये शद्रक मेशक अबेदनगो मानते नहीं है, ये बुलाया गया भाई आजा तुम बहुत बुद्धिमान हो इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ, अब तुम जो है घुटने टेको मेरे देवता के सामने नहीं तो तुमको मैं मार डालूंगा। और उन्होंने कहा फिट्टी और सात गुना धक गाया गया और सात गुना धक गाई गई राजा की आज्ञा के अनुसार। और जो है लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि अभी एक बार फिर से सारंग किया सारे वाद्य बजेंगे और तुम जो है घुटने टेक के मेरे इस देवता को नमन करना। उसने कहा है राजा तुझे बजाना है बजा ले, तो सारंगी विरंगी बजाना है, हम तो तेरी देवता के सामने दंडवत नहीं करेंगे, हमारा परमेश्वर हमें मना करता है, हमारा परमेश्वर जो हमको इस आग की भट्टी से भी बचाने की सामर्थ रखता है, और अगर प्रभु नहीं बचाता ना चलेगा ठीक, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। हालेलुया हमारा परमेश्वर, बोलिए हमारा परमेश्वर, ये हमारा परमेश्वर है। क्या लिखा है पढ़िए उस वचन को, दानियल उसके तीसरे अध्याय के 17 वचन, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस लगते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हाँ, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टी की आग से बचाने की शक्ति रखता है। प्रेज़ लॉर्ड। क्या आपको आपकी समस्या से बचाने की शक्ति नहीं रखता क्या प्रभु? मैं सुनना चाहता हूँ हर एक मुंह से, हेलो यस। वो परमेश्वर जो है शक्ति रखता है कि मुझे मेरे कंधे से आजाद करे, मेरी बीमारी से आजाद करे, मेरे शुगर से आजाद करे। बाप रे, अभी मैंने पिछले हफ्ते में देखा मेरी शुगर कितनी आ रही है, 200 की आ रही है, 219 के आसपास। प्रेज लॉर्ड, प्रभु ने सब कुछ नॉर्मल कर दिया। कितने आम खाने के बाद बताओ, क्या प्रभु का चमत्कार। हालेलुया, इतने सारे जो है फल फ्रूट और मीठे फल खाने के बाद हालेलुया शुगर इतनी नॉर्मल हो सकती है, वो शुगर डर रही है उसका इन दिनों में। हालेलुया प्रेज लॉर्ड, वो शुगर डर रही है क्योंकि मैं शुद्धि भेंट पढ़ रहा हूँ, बाइबल पढ़ रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, शुगर आती है छाती है भाग जाती है, आती है छाती है भाग जाती है। हालेलुया प्रेज लॉर्ड यस। आपकी बीमारी भी ऐसी गायब हो जाएगी, ऐसी गायब हो जाएगी जैसे गधे के सिर से सिंह गायब हो जाते हैं, आपकी बीमारी गायब होने वाली। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर हमारा शरीर पवित्र आत्मा का क्या है, मंदिर है, यहाँ पे पवित्र आत्मा आता है। हालेलुया, और प्रभु की आत्मा कहता है खाओ तुम जो कुछ खाना खा ले, मैं शुगर नॉर्मल करने के लिए बैठा हूँ, यहाँ पे तुम्हारे अंदर बैठा हूँ मैं, जाओ जाओ ठीक है। हालेलुया, हमारा प्रभु महान है, हमारे साथ है, वो अंदर बैठा हुआ है वो हमारे। हालेलुया, जो परमेश्वर हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है। हालेलुया, किससे बड़ा है, जो संसार में है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु परमेश्वर हमारी बीमारी को कंट्रोल करेगा और वो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर जो बढ़ लाएगा ना, हालेलुया हर बंधन टूटेंगे, हर बीमारी दूर होगी। अरे प्रभु की सामर्थ तो इतनी ज्यादा है, वो हालेलुया कब्रिस्तान के लोगों को निकाल के खड़ा कर देता है, लाजरस बाहर निकला, चार दिन का बीमार मरने चार दिन का मरा हुआ मुर्दों में से जी उठता है। ताली बजा प्रभु के लिए। हमारा परमेश्वर, बोलिए हमारा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं वो हमें बचाने की सामर्थ रखता है, वो हमें बचाने की सामर्थ रखता है। Praise the Lord. Praise the Lord. धन्यवाद यीशु। धन्यवाद।
और अब प्रभु की स्तुति करते हैं। देखो एलिया, एलिया जब आया, जब एलिया जो है हालेलुया जब आया तो वहां पे हम देखते हैं कि कैसे उसने आकाश खुल गया। एलिया ने कितनी बार आग लाई थी, आपको होमवर्क दे रहा हूं, इस बार तो दो बार आग लाई, 50-50, 51-51 उन लोगों को मार दिया। ओ माय गॉड, हालेलुया। और फिर बाद में उसने कहा कि चलो बाल की देव, बाल देवता की तरह तुम वेदी बनाओ, एक यहोवा की वेदी बनाएंगे, जिस वेदी पर आग गिरेगी वो परमेश्वर सच्चा, और बाल के देवता की वेदी पर आग गिरी ही नहीं, 450 जो है लोगों को पकड़ के मारा उन्होंने। तुम हमारे साथ झूठ कर रहे थे, बाबा के चक्कर कहेंगे, बाल के बाबा कितने थे, बाल के बाबा 450 किलो नाली के धुआं पे लेके उनको तरीके से और वहां पे अंत कर दिया। बाप रे, कुछ कुछ लोगों को तो ऐसा होना चाहिए जो लोगों को गलत तरीके से सिखाते हैं। और एलिया ने कहा हे प्रभु इस वेदी पर आग बरसने दे, और एकदम आग उतर आई। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के पास सामर्थ्य नहीं थी कि आग उतारने की, नहीं थी क्या? तो फिर क्यों नहीं उतारी? प्रभु ने इसलिए नहीं उतारी क्योंकि प्रभु परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह दयालु है, दयालु परमेश्वर, और वो हमसे प्रेम करता है और वो हमको दिखाता है। हालेलुया, यहाँ पढ़े उस वचन को, लूका उसके 9:52-54 और उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया क्योंकि वह यरूशलेम को जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिर कर उन्हें भस्म करे? हे प्रभु क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिर कर उन्हें भस्म कर दे? मतलब जो है इनको पता था कि इनके पास बहुत बड़ी ताकत है, आग भी आ सकती है, हालेलुया, भस्म कर सकती है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो? यार प्रभु ने कहा कि नहीं 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 नहीं, हमारी सेवकाई आग लाने की सेवकाई नहीं है, एलिया जैसे हमारी सेवकाई प्रेम की सेवकाई है। हालेलुया, आज प्रभु परमेश्वर ने हमको प्रेम की सेवा दी है, और प्रभु चाहता है कि हम प्रेम की सेवा लेके आगे बढ़े। हालेलुया, कैसे प्रभु परमेश्वर ने जो है, एलिया ने आग लाई, एलिया ने वर्षा लाई, हालेलुया, एलिया ने जो है अपने चेले पे चद्दर डाली, उस चेले का नाम पता क्या है? शाबाश, एलिशा, एलिशा के ऊपर चादर डाली और उसके बाद में वो एलिशा उसके पीछे पीछे हो गया। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी पवित्र आत्मा उंडेला, और पवित्र आत्मा उंडेलने के बाद में जो चेला बार बार भाग रहा था, तीन तीन बार इनकार कर रहा था, उसने ऐसी ढाढ़स से प्रचार किया, वो थी चद्दर, धार्मिकता की चद्दर, वो था पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा से भर गया तो पतरस ने ऐसा प्रचार किया, 3,000 लोगों की भीड़ आने लगी और कलीसिया में छुड़ गई। हालेलुया, ये पवित्र, ये पतरस का काम नहीं था, ये पवित्र आत्मा का काम था। हालेलुया, जैसे फिर सारा इजराइल देश एक चमत्कार के द्वारा एलिया के परमेश्वर के पास झुक गया, वैसे ही पतरस का एक प्रचार जो, हालेलुया, पवित्र आत्मा उतरने के बाद में 3,000 लोगों की कलीसिया बढ़ गई और प्रभु ने काम करना शुरू कर दिया। प्रभु ने एलिया ने कहा कि बारिश नहीं पड़ेगी, हालेलुया, 3-3.5 साल तक बारिश ही नहीं होगी, और वैसे प्रभु ने वैसे ही काम हुआ, बारिश आई नहीं। सब राजा को ढूंढ, राजा लोग ढूंढने लगे, एलिया को ढूंढो, एलिया को ढूंढो, एलिया को ढूंढो, और एलिया ने कहा कि मैंने कह दिया क्या अपने आप को बड़ा कर रहे हैं राजा कह रहे हो? अरे सबसे बड़ा राजा मेरे पास है, मैं कहूंगा ना बारिश नहीं तो नहीं। आज हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत देश, हालेलुया, हमारे मसीहों की प्रार्थनाओं पर चल रहा है। हम मसीह लोग, हमें कभी गलत प्रार्थना करने के लिए, विरोध प्रार्थना करने के लिए यीशु ने नहीं सुनता कहा। यीशु ने कहा कि तुम अब जिस देश में रहते हो उस देश के उन्नति के लिए प्रार्थना करो, और मेरा यह विश्वास है कि हमारे कलवरी कलीसिया के लोग, हमारे मसीह लोग जो भारत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए हमारा भारत और उन्नत हो रहा है, इसलिए परमेश्वर हमारे प्रधानमंत्री को और सारे मंत्रियों को और ऊंचा
करना हमारे सरकार के लिए है, हमारे पंत प्रधान के लिए है, हमारे लोगों के लिए है। हालेलुया, यस। चंद्रण आगे यीशु ने भी जो है उनको अपना चेला बनाया हमें, और चेला बनाने के बाद में जय प्रभु। फिर एलिया और यीशु मसीह में ये समानता है, एलिया जो है अपने शरीर के साथ स्वर्ग में उठा लिया गया, और यीशु मसीह भी शरीर के साथ स्वर्ग में उठा लिया गया। और हम भी एक नया शरीर दिएगा प्रभु, और एक प्रभु के साथ उड़ के जाएंगे। हालेलुया, हमें उड़ के जाना है प्रियो, उड़ के जाने के लिए हमें तैयार होना है। और प्रभु परमेश्वर आपको तो आशीषित करेगा, हमारे बंधनों को प्रभु तोड़ेगा, और प्रभु अपने आशीषों से हमको भरेगा प्रियो। इसलिए आज हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दें, प्रभु अपने आशीष हमारे ऊपर उतार दे, प्रभु तेरी कृपा हमारे ऊपर उतार दे, और प्रभु अपनी शांति दे हमें। प्रभु ने लोगों के ऊपर आग लाने का आत्मा नहीं दिया, हालेलुया, लेकिन प्रभु ने हमको क्या दिया आत्मा, ताकि हम परमेश्वर की सेवा करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, यस। और प्रभु परमेश्वर अपनी आशीष हमारे ऊपर उड़ने देगा, एक बड़ा कार्य प्रभु हमारे जीवन के द्वारा करेगा। हालेलुया, वो चद्दर के बारे में लिखा हुआ है, पढ़िए उस वचन को। हालेलुया, पहले राजा 19 अध्याय का 19 वचन। तब वो वहां से चल दिया, और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो बाहर जोड़ी जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे आगे लिए हुए आप बारहवीं के साथ होकर हर जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी, तब वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे जो है एलिया जो है उस पर चद्दर डालता है। और यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो यीशु मसीह ने बहुत सारे चेले बनाए, और उसी प्रकार प्रभु कहता है कि तुम भी अब चेले बनाओ। हर एक व्यक्ति को प्रभु आदेश देता है कि तुम्हें क्या बनाना है, चेले बनाना है। तुम्हें यीशु के बारे में शेयर करो, यीशु के बारे में लोगों को बताओ, यीशु के बारे में लोगों को प्रचार करो। कितनी अच्छी बात है, हालेलुया। और जो है वो चद्दर लेता है, और वो चद्दर लेता है, और वो यरदन पे मारता है, कहता है ये लेगा परमेश्वर कहाँ है, और वो यरदन डुबंग हो जाती है। पढ़ी पढ़ी उस वचन को, दूसरा राजा दूसरे अध्याय का 14 वचन। और उसने एलिया की वो चद्दर जो उस पर गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वो इधर उधर दो भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है। सो वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि पर झुककर दंडवत की। वाओ, प्रेज़ द लॉर्ड। एलिया के एलिया ने जब एलीशा के ऊपर चद्दर डाली थी, आज प्रभु यीशु ने आपके ऊपर पवित्र आत्मा का मेंटल, पवित्र आत्मा का अभिषेक भेजा है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जिसको पवित्र आत्मा का अभिषेक ना मिला हो। हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है। हो सकता है आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ना मिला हो, लेकिन पवित्र आत्मा की अभिषेक की भरपूरी लाना ये आपके हाथ में है। आप ज्यादा प्रार्थना करें, आप ज्यादा प्रभु से मांगे, और प्रभु परमेश्वर जो है वो सहायता करेगा, और प्रभु अपनी महिमा आपके जीवन के ऊपर आने देगा, और एक बड़ा काम परमेश्वर करेगा। देखो ना प्रभु परमेश्वर का वचन क्या लिखा है, अलग कैसे पवित्र आत्मा के आज्ञा और पवित्र आत्मा की प्रॉमिस और प्रतिज्ञा प्रभु ने हमको दी थी। अलग प्रेरितों का काम पहला अध्याय का 14 वचन। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। जी हाँ, परिवार में लिखा हुआ है हालेलुया 8वें वचन में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया, ये पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का उपदेशमा हर एक व्यक्ति के लिए दिया है। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसमें बढ़ना चाहते हो कि नहीं, कि आप सांसारिक बातों में बढ़ना चाहते हो या प्रभु की बातों में बढ़ना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। फिर एक और बात जो मुझे अच्छी लगी, और वो ये अच्छी लगी कि हालेलुया एलिया हर बार प्रभु को पूछ कर करता था, और यीशु मसीह भी हर बार प्रभु ही परमेश्वर को पूछ के करता था।
जब बाल के लोगों को उसने चैलेंज दिया और कहा देखते कि बाल देवता सच्ची है कि हमारा यहोवा सच्चा है, दो वेदियां बनाया जाए। इज़राइल लोग जो है वो बाल के पीछे लगे थे, अर्थात जो है उन्होंने कहा कि बाल के लिए एक देवता बनाया जाए और यहोवा की वेदी उसके लिए भी, यहोवा के लिए भी वेदी जो है बनाई जाए। और बाइबल में लिखा है कि जब बाल की वेदियों पर सुबह से लेकर शाम तक दोपहर तक कुछ नहीं हो रहा था, कोई जो है आग नहीं आई, तब जो है एलिया आ गया और उसने परमेश्वर की वेदी की मरम्मत करी। बाइबल में लिखा है आज आपको अपने पारिवारिक वेदी की मरम्मत करने की आवश्यकता है, आज आपकी व्यक्तिगत वेदी की मरम्मत करने की आवश्यकता है, आज आपके हर रोज की प्रार्थना की वेदी की मरम्मत करने की आवश्यकता है। तब आग उतरेगी, तब आग उतरेगी, तब अभिषेक आएगा, तब चमत्कार होगा, तब लोग विश्वास करेंगे, तब आपकी सेवकाए प्रभु एलिया का सम्मान कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यस हालेलुया। कैसे प्रभु परमेश्वर जो है वह चमत्कार करना चाहता है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर आप पढ़ेंगे वहां पे तो वहां पे लिखा हुआ है कि कैसे प्रभु परमेश्वर एलिया कहता है कि हे प्रभु मैंने ये वेदी बनाई है, ये सब कुछ बनाया तेरे कहने के अनुसार। और ऋषि भी कहता है प्रभु मैं हर बात करता हूँ तेरी इच्छा के अनुसार। आज हम भी प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। आइए हम दुआ करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज हमारे जीवन को बदल दे, हमारे जीवन के बंधनों को तोड़ डाले। हर एक जन मैं चाहूंगा कि अपने हाथों को उठा के प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। बाइबल में बहुत सुंदर वचन आज हमारे पास आया प्रियो, और प्रभु ने कहा कि हालेलुया जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। आज यीशु मसीह के स्वभाव जैसे आपको बनना है। हालेलुया। और प्रभु परमेश्वर जो है वह चाहता है, हालेलुया यीशु मसीह, हालेलुया यीशु का स्वभाव कितना सुंदर था। हालेलुया यीशु मसीह ने सबके अपराध क्षमा किए, हम भी दूसरों के अपराध क्षमा करेंगे। यीशु मसीह ने सेवा टहल की, हम भी सेवा टहल करेंगे। यीशु ने अपने घर में परिवार में एकता लाई, हम भी एकता लाएंगे। यीशु जो संसार का नहीं हुआ, हम भी संसार के नहीं बनेंगे। परमेश्वर ने यीशु को भेजा और वो आया, वैसे यीशु ने हमको भेजा है, हम जाएंगे और प्रचार करेंगे। यीशु ने परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र था और वह चाहता कि हम भी पवित्र रहे। आओ प्रभु से प्रार्थना करें, आओ प्रभु से मांगे कि प्रभु परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा स्वभाव मेरे जैसे बनना चाहिए। तुम अपनी पत्नी से बहुत झगड़ते हो, तुम अपने पति से बहुत झगड़ते हो, तुम अपने बच्चों से झगड़ते हो, अपने माता पिता के साथ सामने जो है बेकार की जिद करते हो। प्रभु कहता है कि गलत बात है तुम्हारी है। हालेलुया। और जैसे यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। सब लोग आपको देख के कहने चाहिए अरे ये तो यीशु के जैसा बच्चा है, अरे ये तो यीशु जैसा व्यक्ति है। हालेलुया। पुकार अपने अपने मुंह को खोल के प्रार्थना करें आज हर एक जन। हालेलुया। आज हर एक जन अपने अपने लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु जी हमें यीशु के समान बना, प्रभु जी यीशु के समान बनने की आवश्यकता है। हम क्या कुछ होंगे पता नहीं, प्रभु जी डॉक्टर होंगे इंजीनियर होंगे, लेकिन एक बात पक्की बात है कि हम यीशु के समान होंगे। हमें यीशु के समान बना, प्रभु जी आज तेरी पवित्र आत्मा हमारे पर भर लड़ दे। एक एक व्यक्ति को मां यीशु के नाम से ब्लेस करता, एक एक व्यक्ति के बंधनों को मैं आज तोड़ देता हूं। हे प्रभु परमेश्वर पिता, आवर टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, संपूर्ण बदलाव, संपूर्ण बदलाव। ओ प्रभु जी उस झूठ पर आज प्रभु कंट्रोल होने दे, और सत्य की आत्मा आके प्रभु जी आज हमारे अंदर सत्य उत्पन्न हो। ओ प्रभु गाली हमारे मुंह से निकल जाए, तो सारे विरोध की बातें निकल जाए, जिनको हमने अभी तक माफ नहीं किया प्रभु उनको माफ करने के लिए हम तैयार हो जा रहे हैं। प्रभु जी हमको माफ कर देंगे खुले दिल के साथ, ताकि हम स्वर्ग में जा सके, ताकि तू भी हमारे पापों की क्षमा कर सके राजा। हालेलुया। पुकारिए पुकारिए बोलिए प्रभु मैं माफ कर रहा हूँ, प्रभु मैं माफ कर रहा हूँ सबको। यस धन्यवाद यीशु, तेरी पवित्र आत्मा छू रही है प्रभु जी, तो हमको पायल कर रहा है, तो हमें प्रभु अपने पापों को कबूल करने के लिए मजबूर कर रहा है, ताकि हम प्रभु उस बिना दाग और बिना जुर्म की कलीसिया में शामिल हो सके राजा। हम प्रभु वो मूर्ख पांच कुंवारियों के समान ना हो, लेकिन प्रभु हम उस पांच बुद्धिमान कुमारी के समान हो, जिन्होंने अपने दिए में तेल भी लिया और टुप्पी में भी तेल दिया, वो पवित्र आत्मा की शक्ति
और पवित्र आत्मा का मेंटल हमारे ऊपर आने दे रहा जा, और हर एक व्यक्ति को आजाद कर दे रहा मुझे, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर का भय दे रहा मुझे। आज लोगों के मनों में परमेश्वर का भय नहीं है, हालेलुया। उनको पता नहीं कि परमेश्वर उनकी हालेलुया टांगे तोड़ सकता है, उनको मार सकता है। इजराइल में क्या परमेश्वर नहीं है क्या कि तो एक क्रॉस के पास जबूत को पूछने के लिए गया। परमेश्वर कहता है कि जिस बिस्तर में तू पड़ा है वहीं पे मर जाएगा, तू नहीं जिएगा। और प्रभु तेरे वचन के अनुसार हुआ। आज हम प्रभु तेरे पास आते हैं, तेरा भय मांग के, प्रभु यीशु का भय मांगते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का भय मांगते हैं। प्रभु जीवन लेना और देना तेरे हाथ में है, तेरे खुदा हम तेरा भय मांगते हुए तेरे भवन में आए हैं। हे प्रभु इन सब को आज जिनका जो तेरा भय मांगते हैं उनके अंदर एक भय उत्पन्न कर, एक आदरित भय परमेश्वर के लिए उत्पन्न कर। हम प्रभु दो पैसे के कारण घमंडी न बने, हे प्रभु जी हम किसी भी बात के लेकर घमंडी न बने प्रभु जी, वो घमंड हमारा तोड़ प्रभु जी, हम सारे घमंड को तोड़ देते हैं के नाम से। हम नम्र मांगते हैं ताकि तू हमको और बड़ा प्रमोशन दे, और बड़े ऊंचाई पे ले जा, और तेरी महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने दे। पूरा बाबा शंकर बाबा रिया बाबा 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 टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, संपूर्ण परिवर्तन हमारे जीवन में ला, मेरे जीवन में ला, हर एक व्यक्ति के जीवन में ला, ताकि हम प्रभु तेरे लायक बन सके राजा। लोग कह सके जैसे बाप वैसा बच्चा, जैसा ईश्वर वैसे ये बेटा ऐसे बेटी, ऐसे हमें पास देख के हालेलुया। हे प्रभु हमारे भले कामों को देख कर वो स्वर्ग के पिता की तारीफ कर सके राजा, ऐसा होने दे राजा। एक एक व्यक्ति को आजाद कर, हमारे बुरे कर्म हट जाए। हे प्रभु हमारे पापों को तुमने क्षमा किए राजा, पुरानी बातों को अभी याद ना करे। तू कहता कि देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, एक नया जीवन देता हूँ, हालेलुया। नया जीवन जीना शुरू करो, आज के बाद तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी प्रभु कहता है। आज के बाद पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन का कंट्रोल लेगा पवित्र आत्मा कहता है। जिन पापों पर तुम विजय नहीं प्राप्त कर रहे हैं, आदरणीय पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, वो तुमको पवित्र कर देगा। तुम उन पापों से घृणा करोगे, जिन पापों को तुम आज प्रेम करते हो उन पापों से तुम घृणा करना शुरू करोगे। परमेश्वर यहोवा की धूम के द्वारा ये होगा, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन मेरी पवित्र आत्मा के द्वारा ये काम होगा। प्रभु कहता कि मैं अपने अंतिम दिनों में अपनी आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उड़ेलूंगा। उड़ेल प्रभु जी, उड़ेल प्रभु जी, उड़ेल प्रभु जी, एक एक व्यक्ति पर तेरी पवित्र आत्मा उड़ेल प्रभु जी। हमें अपने पाप से घृणा दे प्रभु जी, हमारे घमंड से हमें घृणा दे प्रभु जी, हमारे प्रभु सारे झूठ से हमें घृणा दे प्रभु जी, हमारे गुस्से के स्वभाव से हमें घृणा दे प्रभु जी, जो उल्टा उत्तर देते प्रभु उस बात से हमें घृणा दे प्रभु जी। और बाबा शंकर बाबा बाबा एक एक पाप को हमको दिखा दे, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आज हम यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु ये वचन हमारे लिए आयो अपना प्रभु जी, हमारी आंखों को खोलने वाला है प्रभु, हमें स्वर्ग में दिखाने वाला है प्रभु, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखवाने वाला ये वचन है प्रभु। प्रभु जी आज हम अपने सारे पापों से माफी मांगते हैं, आज हम तेरी और प्रभु परमेश्वर पिता तेरे पीछे चलने के लिए राह चुन लेते हैं राजा। तेरी पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति के ऊपर मंडलाने दे, हर एक अंधकार की शक्ति को दूर कर दे, कलवरी कलीसिया को पवित्र कर, बिना दाग और बिना झुर्र की कलीसिया बना। हे प्रभु जैसे तू पवित्र था हमें भी पवित्र बनना है, जैसे तुझे भेजा गया था प्रभु हम भी भेजे जाए प्रभु जी, जैसे तूने सबको माफ किया प्रभु हम भी सबको माफ कर सके राजा। हे प्रभु जी ऐसा होने दे राजा, ओ प्रभु चमत्कार कर पिता प्रभु जी, जैसे यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आज इस वचन को हम लेके जा रहे प्रभु जी, जैसे एलिय्याह भी प्रभु जी हालेलुया परमेश्वर के स्वरूप में बनने की वो कोशिश करता रहा, और परमेश्वर का रूप लोगों को दिखाता रहा, परमेश्वर के दर्शन उसने लोगों को दिखाए, परमेश्वर की आग और परमेश्वर की बारिश उसने लोगों को दिखाई। और पिता बाप आज मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर हमारे द्वारा भी लोगों परमेश्वर को देख सके राजा,
हमारे द्वारा भी बड़े बड़े चमत्कार होने दे प्रभु जी, लोग जान सके कि जीवित परमेश्वर हालेलुया इनके अंदर पाया जाता है। कलवरी चर्च का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर, वो हमें सारी विपत्तियों से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। और यदि ना हो तो हे राजा इस बात को हालेलुया पक्का समझ ले कि हम तेरे मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। धन्यवाद प्रभु कि आज तू हमें आजादी देता है प्रभु जी, तेरी आराधना करने के लिए, तेरी प्रार्थना करने के लिए, तेरे बाइबल पढ़ने के लिए, ओ तेरे गीत गाने के लिए हम तेरे धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ और तेरा अभिषेक तेरे लोगों के ऊपर आ रहा है प्रभु इस वक्त। आज तेरी पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति के ऊपर आ रही है प्रभु जी, उनकी बीमारियों को तोड़ने के लिए, उनके पाप की आदतों को हटाने के लिए, उनको स्वर्ग में जाने के लिए जो रास्ता की रुकावट है उस रुकावटों को उखाड़ने के लिए पवित्र आत्मा आ रहा है और हर एक व्यक्ति को भर रहा है और हर एक व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहा है और हर एक व्यक्ति को वो पश्चातापी हृदय दे रहा है और वो हर एक व्यक्ति के अंदर पर हमेशा का भय उत्पन्न कर रहा है। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। प्रभु जी आज जो लोग बीमार है उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ, प्रभु उनको पूर्ण चंगाई दे, हमारे भाई दीपक राजू को पूर्ण चंगाई दे, प्रभु हमारी बहन रानी को जल्दी दे, क्या बहन प्रभु परमेश्वर पिता नंदी को चंगाई दे, हमारी बहन प्रभु परमेश्वर पिता ओ अल्लाह किरण को पूर्ण चंगाई दे, हमारी बहन प्रभु परमेश्वर पिता गोमती को पूर्ण चंगाई दे, भाई गिरीश को पूर्ण चंगाई दे, जो जो बीमार है प्रभु जी आज इस घर में और तेरे भवन में फिर भी आए प्रभु जी उनको चंगाई दे, राजा छुटकारा दे प्रभु जी। ओ सिताली जॉन सिताली सब है हालेलुया आपको पूर्ण छुटकारा मिले और पूर्णता आजादी मिले, सिर के सारे घुटने का दर्द प्रभु यीशु के नाम से ओ पूर्णता आजाद किया जाए और आशीष दे प्रभु जी हालेलुया। हम तेरी सेवा करेंगे, हमारे परमेश्वर के भवन में हम जाएंगे हालेलुया, घुटने दर्द है फिर भी हमारी बहन आ गई है, हमारे परमेश्वर की सेवा करने के लिए हम आएंगे। हम धन्यवाद दे रहा प्रभु जी की तो हमारे साथ है प्रभु जी, हमारे जवान बच्चे जो सेवा कर रहे हैं प्रभु उनको आशीषित कर और बड़ों को भी प्रभु तेरी सेवा करने के लिए आत्माओं को जीतने के लिए और मदद कर बेटा प्रभु जी, हम डरपोक विश्वासी नहीं है, डरपोक लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करवाएंगे। ओ प्रभु इसलिए हमारी सहायता कर, हालेलुया बड़े दिलेर होकर बड़े ठाड़स से भरकर हम प्रभु का प्रचार लोगों को कर सके राजा। धन्यवाद तुमने हमारी दुआ कबूल कर लिया, धन्यवाद प्रभु जी सारे बंधनों को तोड़ने के लिए, तेरी पवित्र आत्मा उद्धार लाने के लिए, हर एक को छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन। अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद देंगे, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, खास करके कैलवरी चर्च के लोगों के साथ आज से लेके प्रभु यीशु को सन्नि तक पड़ी रहे। आमेन आमेन आमेन। तब जय मसीह की, शालोम शालोम शालोम।